21 दिन बालों की लंबाई को 3 गुना कीजिए, हल्के पतले झड़ रहे बाल ऐसे गायब होंगे कि नमस्कार। बालों की लंबाई को 3 गुना तक बढ़ाइए। दोस्तों, लंबे सुंदर बाल हमारी पर्सनैलिटी को कितना निखार देते हैं ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक्टिव लाइफस्टाइल और बढ़ता हुआ पोल्यूशन हमारे बालों को कई बार इतना नुकसान पहुंचाता है, हमारे बालों की सुंदरता चली जाती है, रूखे बेजान बालों की समस्या आती है और कई बार तो बाल दो मुहे हो जाते हैं, जिससे कंघी करते समय हमारे बाल बहुत टूटते हैं, जिसके डर से दोस्तों कई बार हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बाजार से ले आते हैं जो केमिकल से भरपूर होने के कारण दोस्तों कई बार हमारे बालों पर गलत असर करते हैं और उससे बालों की लंबाई रुक जाती है। लेकिन दोस्तों, आज के इस उपाय को आपको 21 दिनों तक इस्तेमाल करना है। ये दोस्तों आपके बालों की लंबाई को 3 गुना तक बढ़ाएगा, बालों की पूरी केयर करेगा, पोल्यूशन से होने वाले बालों को नुकसान जैसे बालों का झड़ना, उनका रूखापन और बेजान बालों को पूरी तरह से नेचुरल और शाइनी बनाएगा। तो चलिए ये देखते हैं आपको इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए हम दोस्तों यहाँ पर लेंगे 1 कप चावल, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे और उसमें चावल को मिला देंगे। आप दोस्तों पानी के अंदर चावल को अच्छे से धो लीजिए। इससे चावल के ऊपर अगर कोई पाउडर लगा होगा या किसी तरह का कोई केमिकल लगा होगा तो वो पूरी तरह से उतर जाएगा और चावल हमारे साफ हो जाएंगे। डैमेज बालों को रिपेयर करने के लिए और साथ ही साथ दोस्तों हेयर सेल की रीजनरेशन के लिए चावल दोस्तों बहुत फायदेमंद है, जिससे हमारे नए बालों को उगने में मदद मिलती है और साथ ही साथ इसमें पाए जाने वाले कई तरह के मिनरल्स और विटामिंस और इसमें पाए जाने वाला इनोस्टोल दोस्तों हमारे बालों के ऊपर एक ऐसी परत बनाता है जिसके बाद धूल मिट्टी या पोल्यूशन का हमारे बालों पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता और बाल हमारे शाइनी बने रहते हैं। चावल की अच्छे से सफाई करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर जितना हमने चावल लिए थे उतना ही पानी लेना है और इस बाउल में डाल देना है। इसके बाद हम चावल को अच्छे से पानी में मिला लेंगे और 30 से 40 मिनट तक हम इसे यूं ही छोड़ देंगे। 30 मिनट बाद दोस्तों आप देखेंगे कि पानी का रंग जो है धीरे धीरे बदल जाएगा और इस चावल का अर्क पूरी तरह से पानी में उतर चुका है, जिसे हम चावल का मांड भी कहते हैं। ये पानी दोस्तों हमारे बालों के लिए बहुत फायदेमंद है और इसकी मालिश से हमारे बालों की लंबाई बढ़ती है और बालों में एक नई चमक आती है। आप दोस्तों इस पानी को एक बाउल में अलग से निकाल लीजिए और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसमें 2 और चीज़ें मिलाएंगे जो आपको घर पर आसानी से मिल जाएंगी, और वो जो है वो है ये आंवला पाउडर। आंवला में पाया जाने वाला विटामिन सी दोस्तों हमारी हेयर ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है, साथ ही साथ हमारी स्काल्प पर किसी भी तरह के इन्फेक्शन को रोकता है, जैसे बालों में इचिंग, डैंड्रफ और बालों के झड़ने की समस्या भी नहीं होती। आप दोस्तों यहाँ पर आंवला पाउडर जो है 1 चम्मच लीजिए। आपको आंवला पाउडर घर पर मिल जाएगा, नहीं तो आप किसी भी किराना स्टोर से ले सकते हैं। और आखिरी चीज़ जो आपको यहाँ पर इसमें लेनी है वो है ये कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। तेल जो है दोस्तों यहाँ पर हमारे बालों की मसाज में भी काम करेगा, साथ ही साथ इससे हमारे हेयर मॉइस्चराइज होंगे और हमारे बाल बिल्कुल हेल्दी दिखेंगे। आपको यहाँ पर नारियल का तेल जो है 2 चम्मच इसमें डालना है। आप यहाँ पर ये तेल डाल दीजिए और फिर चम्मच से आप इन तीनों को मिला लीजिए। इस उपाय को तैयार करने के लिए कम से कम दोस्तों हम इसे 2 घंटे देंगे, या फिर आप चाहें तो इसे रात को बना लें और सुबह तक जो है ये नुस्खा हमारे पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसे आप छान लीजिए और छानने के बाद आप इसे किसी भी कंटेनर में या किसी स्प्रे बोतल में डाल लीजिए। ये उपाय दोस्तों इतना फायदेमंद है कि इसे लगाने के बाद आपको किसी तरह के कोई हेयर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बालों की लंबाई भी बढ़ेगी और उनकी पूरी केयर होगी। तो आइए जानते हैं इसका उपयोग आपको कैसे करना है। इसका उपयोग करते समय आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि आपके बालों में पहले से कोई तेल ना लगा हो, नहीं तो आपको इसके असर देखने को नहीं मिलेंगे। इसे लगाने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप इसे लीजिए और हम इसे अच्छे से हिला लेंगे और बालों के मुताबिक इसे अपने सर पर धीरे धीरे से लगाएंगे। आपको दोस्तों इसे अपने बालों की जड़ों पर लगाना है। आप चाहे तो स्प्रे बोतल से डायरेक्ट इसे अपने बालों की जड़ों पर डाल सकते हैं, या फिर अपने हथेली पर लेकर इसको जो है अपने बालों की जड़ों पर लगाएं और मसाज करने के बाद आप इसे कम से कम 1 से 2 घंटे तक बालों पर लगा रहने दें। उसके बाद दोस्तों आप नहाकर अपने बालों की सफाई कर सकते हैं, और ये जो उपाय है इसका इस्तेमाल आपको हफ्ते में 3 दिन करना है। हफ्ते में आप दोस्तों इसे 3 दिन लगाइए और 21 दिन तक के इस्तेमाल से आप दोस्तों देखेंगे कि आपके बालों की लंबाई 3 गुना तेजी से बढ़ेगी। बाल पहले से ज्यादा शाइनी होंगे, मजबूत दिखेंगे और उनका टूटना झड़ना पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और ये आपके बालों की पूरी केयर करेगा। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।